बंगाल में जिस ढंग से घटना हुई और बीजेपी के सांसद पहुंचे, लेफ्ट के भी पहुंचे कांग्रेस, लेकिन बीजेपी के सांसद की गिरफ्तारी हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में जो परिस्थितियां हैं वो देश के समक्ष हैं। किसी को भी कानून को हाथ में लेने की छूट नहीं होनी चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए, लोगों की रक्षा होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने बोला है कि हम जो जीएसटी लेके आए थे वही जीएसटी नहीं है और हमारी जब सरकार आएगी हम उस जीएसटी को फिर से लेके आएंगे। अब कपिल सिब्बल तो शिक्षा व्यवस्था भी लेके आए थे कि 8वां तक लड़का पढ़े न पढ़े पास हो जाएगा, तो वो ऐसा ही चीज़ लाएंगे तो कहाँ से उसको पास करेंगे? वो अच्छा हुआ कपिल सिब्बल का चीज़ देश पास नहीं कर सकता, भाई साहब बहुत नुकसान हो जाए। सर, सीबीआई को लेकर के ममता बनर्जी ने बोला है कि विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, हमारे सांसदों को परेशान किया गया, लालू जी को भी परेशान किया जा रहा है, ये सिर्फ केंद्र सरकार का? नहीं, ये तो ममता जी को अपने लोगों से पूछना चाहिए कि वो बेईमानी क्यों करते हैं। आप जब चोरी करेंगे तो संस्थाएं तो पकड़ेंगी, बीजेपी सत्य के साथ है, जो अपराध करेगा वो पकड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री की चाइना यात्रा का इससे बड़ा, प्रधानमंत्री की जो जी चाइना यात्रा नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो G20 की यात्रा है उसमें चाइना द्वारा भारत की तारीफ करना इस बात का एक विजय है कि अब आतंकवाद पे अब चाइना भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समर्थन नहीं दे सकता, वो गिर रहा है।